गुड मॉर्निंग। आज आप सभी की समाज शास्त्र की पहली क्लास है। थर्ड ईयर के आप सभी स्टूडेंट्स हैं। आप सभी ने सोशियोलॉजी को, कुछ बच्चों ने स्कूल से और कुछ ने कॉलेज से स्टार्ट किया है। तो जिन्होंने कॉलेज से स्टार्ट किया है उनको समाज शास्त्र पढ़ते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, और जिन्होंने स्कूल से स्टार्ट किया है उनको लगभग 4 साल हो गए हैं। तो आप सभी इस सब्जेक्ट से पूरी तरह परिचित हैं। आप जानते हैं समाजशास्त्र क्या है, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है और किस तरह से ये सब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आज का फर्स्ट पेपर समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार, थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार की स्टडी हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप सभी को ये पेपर पढ़ाऊंगी। आपने जाना समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंदर समाज का अध्ययन किया जाता है और समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में आपने जाना समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाएं क्या है। समाजशास्त्र का परिचय आपसे हुआ कि समाजशास्त्र क्या है, समाज क्या है, समुदाय क्या है, समिति क्या है। उसी के सेकेंड पेपर में आपने पढ़ा भारतीय समाज के बारे में, हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय समाज का नाम आते ही उनको सामने आ जाती है, जाति, संयुक्त परिवार और भी विभिन्न अवधारणाएं हैं जो केवल भारतीय समाज में ही पाई जाती हैं। सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा रिसर्च कैसे किया जाता है, समाजशास्त्र की अनुसंधान पद्धतियां, समाजशास्त्र में रिसर्च कैसे किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में जब हम रिसर्च करते हैं तभी वह सब्जेक्ट रिच बनता है और रिसर्च से सिद्धांतों का निर्माण होता है। रिसर्च, अनुसंधान, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययन, जैसा कि इसकी परिभाषा से ही आप समझ रहे हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। रिसर्च के अंदर सबसे पहले समाज का समस्या का चुनाव किया जाता है। समस्या के चुनाव के बाद क्षेत्र का चुनाव किया जाता है, तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है। और ये सिद्धांत ही सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। इन सिद्धांतों का, इन मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन ही हम इस थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में करेंगे। सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में आपने पढ़ा था सामाजिक समस्याएँ, भारतीय सामाजिक समस्याएँ, भारत समाज में कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और भी कई सारी समस्याओं का आपने अध्ययन किया। मतलब आप सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा परिचित हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्रीय चिंतन के आधार, विभिन्न अवधारणाओं का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से वो प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया, कुछ भारतीय समाजशास्त्री और कुछ मूल भूत समाजशास्त्री जिन्होंने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया। समाजशास्त्र के जनक कौन है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था हम सभी ने, ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने समाजशास्त्र सब्जेक्ट को बनाया और समाजशास्त्र नाम दिया, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उनको लगा कि समाज में कुछ अलग अलग पहलुओं से समाज का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक पहलू, भौगोलिक पहलू, लेकिन एक सा कोई ओवरऑल सब्जेक्ट नहीं है जिसमें समाज के विभिन्न सभी पहलुओं का एक साथ अध्ययन किया जाए और समाज का अध्ययन किया जाए जिससे कि व्यक्ति पर प्रभाव, उन विभिन्न पहलुओं का समाज पर प्रभाव देखा जाए। और इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र सब्जेक्ट का विकास किया। उसके पीछे कौन कौन सी विशेष परिस्थितियाँ रही, कौन कौन से विशेष अनुभव रहे, वो सारा स्टडी हम इसके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में करेंगे। ये भी आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में या किसी भी पेपर में 5 यूनिट होती हैं और इन 5 यूनिट में सब्जेक्ट का स्टडी किया जाता है। तो हमारा जो ये पेपर है उसके फर्स्ट पेपर में हम समाजशास्त्र के उद्भव को देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियाँ रही कि हमें नए सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। समाजशास्त्र का उदय, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और इसी तरह विभिन्न यूनिट्स में भी हम समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। आपने इमाइल दुर्खाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड परेटो, जीएस घुरिए, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, इनके सबके नाम सुने ही होंगे। इन्हीं सभी की विभिन्न अवधारणाएं जैसे श्रम विभाजन, आत्महत्या, जाति की अवधारणा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा, तार्किक अतार्किक क्रिया, ये सारा इस पेपर के अंदर अध्ययन किया जाए।
अवधारणा कोई भी सिद्धांत का निर्माण किस तरह से होता है? जब हम रिसर्च करते हैं तो वह रिसर्च जब सच साबित होती है तो वह सिद्धांत का रूप ले लेती है, क्योंकि समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है बल्कि सामाजिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में क्या अंतर है? प्राकृतिक विज्ञान में निकाले गए तथ्य पूर्णतया सत्य सिद्ध होने पर सभी जगह लागू होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो ये सभी जगह सच है कि सूर्य पूरब में उगता है, और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी सभी जगह सच है। लेकिन समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, और जब व्यक्ति का अध्ययन व्यक्ति करता है तो व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता रहता है। क्योंकि मानव एक जटिल अवधारणा है, मानव के मस्तिष्क का अध्ययन करना, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। इसी के लिए समाजशास्त्र में अनुसंधान किए जाते हैं, और इस अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों को एकत्रित करते हुए एक सत्य साबित होने वाले सिद्धांत तक पहुंच सकें। और इसी तरह से कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, इमाइल दुर्खाइम ने जो विभिन्न अवधारणाएं दी हैं उनमें उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और फिर ये स्टडी की। एक एग्जांपल आज हम पहली क्लास में इमाइल दुर्खाइम की आत्महत्या के सिद्धांत का लेते हैं। आत्महत्या, हम सब परिचित हैं इस शब्द से। आत्महत्या, व्यक्ति का स्वयं को मृत्यु की ओर ले जाना। व्यक्ति ये जानता है कि मैं ये प्रक्रिया करूंगा तो मेरा इसका परिणाम मृत्यु होगा, फिर भी वो उस प्रक्रिया को करता है। तो आत्महत्या क्या है? एक व्यक्ति का अवधारणा मानी जाती थी, लेकिन इमाइल दुर्खाइम ने यह स्टडी किया कि आत्महत्या एक सामाजिक अवधारणा है, ये एक व्यक्ति का अवधारणा नहीं है। समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ, उसके आसपास के लोग उस व्यक्ति पर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि वो है जीने से बेटर मरना उचित मानता है और आत्महत्या को अंगीकार कर लेता है, आत्महत्या के ओर प्रेरित हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद में इस सिद्धांत को देने का प्रयास किया। इस तरह कई सारे विभिन्न सिद्धांतों का हम इसमें स्टडी करेंगे। आप सभी जानते हैं समाजशास्त्र एक बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग विषय है। इसके अंदर समाज की स्टडी की जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज का एक अभिन्न अंग है, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है जो समाज की विभिन्न अवधारणाओं को परिवर्तित भी करता रहता है और उसमें कुछ ऐड भी करता रहता है। इसलिए समाजशास्त्र के किए गए अनुसंधान देश निर्माण में, राष्ट्र नीति निर्माण में और समाज के विकास में बहुत योगदान देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल, COVID-19, इसने भी समाज में बहुत परिवर्तन लाए हैं। हम सभी परिचित हैं कि आज स्टडी का तरीका बदल गया है, लोगों का व्यवहार का तरीका बदल गया है, मेल जोल का तरीका बदल गया है, विभिन्न सामाजिक समारोहों का तरीका बदल गया है। यह समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं से हमें स्टडी करना चाहिए, और यदि हम इसकी बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करें कि COVID-19 का समाज के विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये भी बहुत अच्छा रिसर्च हमारे लिए हो सकता है, बहुत अच्छा सिद्धांत हमारे लिए तैयार हो सकता है कि मजदूरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा, हायर एजुकेशन पर इसका क्या इफेक्ट आया, और इन सारे इफेक्ट को हम किस तरह से देखते हुए इसके समाधान के प्रयास करें, ताकि आगे कोई भी महामारी इस तरह की फैले तो समाज या देश इतना ज़्यादा संकट में ना आए कि इस संकट से हम कैसे पार पा सकते हैं। ये हमारी रिसर्च का एरिया होगा। और जैसे कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से जाने जाते हैं, इमाइल दुर्खाइम श्रम विभाजन के नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही हम कुछ ऐसी रिसर्च कर सकते हैं कि हम COVID-19 में मजदूरों के पलायन को स्टडी करें और उसके आधार पर कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल के ऐसा सिद्धांत बना सकें। तो कई सारे ऐसे रोचक पहलू हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और देश के विकास में भागीदारी निभाई जा सकती है। आज की इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम यही अध्ययन करने के प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ और वो कौन से विभिन्न पहलू हैं जो समाजशास्त्र को समाजशास्त्र बनाते हैं। विभिन्न चिंतन, विभिन्न अवधारणाएं, और वह अवधारणाएं जो कि हमें कॉमन लगती हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उसका अध्ययन कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।